नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार फ्रॉम अनन्नया गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। आज मैं एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी क्यों करवाना, इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। क्योंकि आजकल पेट का जो प्रॉब्लम है, अपर जीआई ट्रैक्ट नहीं तो बड़े एथेडियम में, एनल कैनाल में प्रॉब्लम्स आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करने से ज़्यादा बड़े बीमारियों को अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। जल्दी से जल्दी उसका पता चल गया तो, अर्ली स्टेज में पता चल गया तो क्यूर करने वाले ट्रीटमेंट कर सकता है। कुछ लोग डरता है, एंडोस्कोपी किया तो कुछ इन्फेक्शन आ जाता, एंडोस्कोपी किया तो कुछ दूसरा प्रॉब्लम हो जाता, कोलोनोस्कोपी किया तो दूसरा प्रॉब्लम हो जाता, डॉक्टर साहब मेडिसिन से क्यों ट्रीट नहीं करते करके। हमारे बॉडी में जो भी बड़ा बीमारी है, कैंसर जैसा बीमारी जो आता है, वो ऊपर वाले चीज़ का नहीं तो लास्ट पार्ट बड़े हथड़िया जो करते हैं, रेक्टम करके बोलते हैं, उसमें आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो भी छोटा हथड़िया है उसमें कैंसर्स आने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर कुछ लोग बार बार मेडिसिन लेके कम नहीं हुआ तो पेट का दर्द, एसिडिटी, नहीं तो जुलाब होना बार बार, ब्लीडिंग होना बार बार, ऐसे लोगों में अगर एक बार एक एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करके सिंपल पाइल्स है नहीं तो सिंपल अल्सर है करके पता चल गया तो, ट्रीटमेंट ले लिया तो 5 साल तक दोबारा एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करने का ज़रूरत नहीं रहता। इसके वजह से आजकल हम क्या करते हैं, थोड़ा एनेस्थीसिया दे के, नींद का इंजेक्शन दे के आपको पता ही नहीं चलता वो कैसा किया, दर्द भी नहीं रहता, इजी हो जाता है। अगर वो नॉर्मल निकला 5 साल के बाद ही एक बार एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी करना का ज़रूरत रहता है। क्योंकि जो भी कैंसर से, मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि जो भी कैंसर से हमको ऊपर वाले चीज़ में नहीं तो बड़े हथड़िया में आने का चांसेस रहते हैं। इसलिए एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी किसी ने एडवाइस किया तो ज़रूर करवाइए। आपको अगर कुछ नॉर्मल है, लकी है, कुछ जल्दी डिटेक्ट हो गया तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट भी क्योर कर सकता है। थैंक यू।